पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। छे एक बात समझ नहीं आई, साहिल बब्बर ने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी उसके पास और ये सब कब से है? कुछ भी हो जाए राम, वो जमीन हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। डैड कौन छीनेगा? राम, वो गुंडों को बोला गया था कि 6 जून की रात को कब्जा करें। 6 जून 2007 सर, रात तो डैड का एक्सीडेंट हुआ था। 6 जून 2007 उसी रात ही लैंड का कब्जा भी। अबे छोड़ ना यार ये सब यार राम, जमीन अपनी हुई यार। हाँ अबे यार, जो चाहिए था वो मिल गया। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, क्या बोलते हो यार? करेक्ट, ये लड़ाई थोड़ी ना थी, ये तो जंग थी जो मेरा भाई जीत गया। और राम के लिए तो ये दुनिया जीतने के बराबर है ना। सेलिब्रेट करते हैं यार, अभी मुझे जाना है, हैव सम वर्क। तो आई सी यू गाइस। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। इसे क्या हुआ? सदमे में है क्या? क्या हुआ दीदी, आप ब्रेकफास्ट नहीं खाओगी? नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं है। प्रीति वन सेकेंड, कल रात को कुछ हुआ क्या? क्या क्या हुआ? लुक एट योर फेस, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है? क्या? टेल मी नाउ, स्किन ग्लो कैसे कर रहा है? कोई नई बेड टाइम रेजिम स्टार्ट किया क्या? नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ नया नहीं किया है मैंने। दीदी प्लीज यार, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मुझे भी ऐसी ग्लोइंग स्किन चाहिए। क्या क्या बता, व्हाट डिड यू डू डिफरेंट? नहीं सच में, मैं बोल रही हूँ ना, और मैं क्या कुछ नया करूँगी? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे भैया मतलब मिस्टर कपूर मुझे बोरिंग बोलते हैं, तो मैं तो बोरिंग हूँ, मैंने कुछ नया नहीं किया है सबसे। नहीं आपने डेफिनेटली कुछ अलग किया है। कल रात कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट किया है मुझे बताओ। इवन आई वांट टू गेट इट, अकी विल गो एंड गेट इट नाउ। प्रीति बताओ ना। प्रिया दीदी कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज करती नहीं है, शी इज अ नेचुरल ब्यूटी। ओ कुछ नहीं, तो कुछ नया योगा शुरू किया आप लोग ने। ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके छुप छुप के योगा कर रहे हैं और हमें नहीं बता रहे क्यों क्यों। इवन आई वांट टू नो शिवी, वो बात को लेकर ऐसे, प्लीज बैठो ब्रेकफास्ट के लिए, कम ऑन। प्रिया राम कहाँ है? ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया? वो कोर्ट गए हैं केस के लिए। ये राम भी ना उस केस को लेकर इतना सेंसिटिव है, उस जमीन की वजह से हर महीने उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी तक वो जमीन अगर मिली नहीं है तो आगे कैसे मिलेगी? मॉम पर वो केस क्या है, मतलब अगर पर्सनल है तो मैंने बस ऐसे लिया। पर्सनल कैसा? तुम तो राम की वाइफ हो, इस घर की बहू हो, तुम्हारा तो पूरा हक बनता है जानने का सब कुछ। नहीं वो एक्चुअली वीरेंद्र ने मेरे लिए एक जमीन खरीदी थी, उनका आखिरी गिफ्ट था वो मेरे लिए, इसीलिए राम इतना सेंसिटिव है। उसके डैड की आखिरी निशानी है ना वो, इसलिए वो चाहता है कि वो जमीन हमें मिल जाए। यू नो वीरेंद्र के जाने के बाद वो फेज बहुत मुश्किल था हमारे लिए, स्पेशली राम के लिए। एनीवे ब्रेकफास्ट करें। पता, जब मेरे डैड ने उसी शादी की थी ना, तो उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सौतेली माँ को सौतेली ना समझूं। उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार टूटे नहीं, और मैंने भी अपने मैंने डैड को वचन दिया, वादा किया कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। प्रिया मैंने आज तक वादा निभाया है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।